हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.6 पार्ट 2। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू सम और डिफरेंसेस एंड वाइस वर्सा वाले सारे फॉर्मूलों के कॉन्सेप्ट समझे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 to 9 भी सॉल्व किया। तो एक बार जस्ट हम लोग फॉर्मूले नोट डाउन कर लेते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों ने लेक्चर 3.5 जो एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.5 थी उसके ऊपर बेस्ड थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई। इन्हीं चार फॉर्मूले से हम लोगों के पास नेक्स्ट ये फॉर्मूले इवेल्युएट हुए। दिस इज फर्स्ट और सेकेंड को जब हम लोगों ने ऐड कर दिया, वी गॉट टू साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3.6 पार्ट 1 में स्टडी किया। इसी तरह से 1 माइनस 2 जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों को ये फॉर्मूला नंबर 6 मिला, 2 cos x sin y। एंड इसी तरह से थर्ड और फोर्थ को जब हमने ऑपरेट कराया, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो हमें फॉर्मूला नंबर 7th और 8th मिला। और ये सम और डिफरेंसेस ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू प्रोडक्ट, ये हम लोगों को ये जो फॉर्मूले थे आपके पास 5, 6, 7, 8 इनसे मिला था। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिंपली हम लोग कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन टू और कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन टू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। और याद करने का तरीका ये है सिंपल, इसमें कि एक्स प्लस वाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन एक्स प्लस साइन वाई हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन टू हो जाएगा और वाई एक्स माइनस वाई अपॉन टू हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 sin x + y / 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। सिमिलरली साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये जो क्वेश्चन जो आपके पास फॉर्मूला नंबर 6 है इससे आ गया, दिस बिकम 2 cos x + y / 2 sin x - y / 2। एंड सिमिलरली 7th और 8th कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 7th और 8th कन्वर्ट होके हमारे पास ये फॉर्मूला देंगे। 8 में कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई माइनस कॉस एक्स था 8 में, तो इसका नेगेटिव साइन हम लोगों ने यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेटल कर लिया। तो ये हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज 3.6 थी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th ऑनवर्ड। तो देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं पर इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट। इसमें साइन 10 डिग्री वाली टर्म है, 50 वाली टर्म है और 70 वाली टर्म है, और हम लोगों को क्लियरली विजुलाइज हो रहा है कि यहाँ पे 2 sin x sin y, ये आप लोगों के पास इस तरह की टर्म आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग 2 sin x sin y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, cos x माइनस y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। किन्हीं दो टर्म में आप अप्लाई कर दीजिए, साइन 50 70 में कर दीजिए या 10 50 में कर दीजिए। तो देखते हैं क्या होगा। तो यहां पे हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब 2 sin x sin y यहां पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 10 माइनस 50, दैट इज कॉस ऑफ माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस 10 प्लस 50, दैट इज 60 डिग्री ऑफ साइन 70 डिग्री। दिस इज इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली थी, 1/2 कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 40 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 एंड दिस इज ऑफ साइन 70 डिग्री एंड दिस इज 1/2 कॉस 40 साइन 70 माइनस 1/2 एंड 1/2 दैट इज 1/4 ऑफ साइन 70 डिग्री। नाउ दिस बिकम 1/2। अब देखिए यहां पे दोबारा से आपके पास कॉस एक्स साइन वाई की टर्म है, तो यहां पे हम लोग दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos x sin y एंड दिस इज इक्वल टू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देखिए फॉर्मूले आपको सब अच्छी तरह से लर्न करने पड़ेंगे एंड
इसको 2 cos x sin y पहले बनाएंगे, तो 1 बाई 2 से हम लोग मल्टीप्लाई, और 2 से भी एक मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 इसमें जाके एडजस्ट हो जाएगा 2 cos x sin y के फॉर्मूले में, एंड दैट विल गिव अस sin ऑफ x प्लस y, मीन्स 40 प्लस 70 दैट इज 110 डिग्री, माइनस sin x माइनस y, 40 माइनस 30 दैट इज माइनस 30 डिग्री, माइनस 1 बाय 4 ऑफ साइन 70 डिग्री. नाउ दिस बिकम 1 बाय 4 साइन 110 डिग्री, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस ऑफ साइन 30 डिग्री हो जाएगा, एंड माइनस 1 बाय 4 साइन 70 डिग्री. अब देखिए 1 बाय 4 साइन 110 यहाँ है, 1 बाय 4 साइन 70 यहाँ है, तो आप लोगों के फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट एक विजुलाइज ही होगा कि साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. पर देखिए हम जैसे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो दोबारा से हम लोग रिवर्स प्रोसेस में आ जाएंगे और दोबारा से हम ऊपर पहुंच जाएंगे. और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 110 डिग्री और 70 डिग्री, इसमें आप अगर एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो 110 डिग्री को यू कैन राइट 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. तो इनमें एक रिलेशन है, 110 और 70 में एक रिलेशन है डायरेक्ट, तो वही रिलेशन को हम यहां पे यूज करेंगे, एंड दैट बिकम साइन ऑफ 180 माइनस 70 डिग्री प्लस साइन 30 इज 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 ऑफ साइन 70 डिग्री, एंड दिस बिकम 1 बाय 4 साइन 180 माइनस थीटा, 180 होते साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो वही रहेगा साइन 70 डिग्री, और 180 माइनस 70 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन 70 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 2 एंड माइनस ऑफ 1 बाय 4 साइन 70 डिग्री. अब देखिए 1 बाय 4 साइन 70 ये है प्लस का और ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1 बाय 4 इंटू 1 बाय 2 इज 1 बाय 8, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था. इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, बहुत सिंपल है, साइन 30, साइन 10, 30, 50 एंड 70. अब इससे पहले वाले में 10, 50, 70 था, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, और वो हम लोगों ने प्रूफ किया था 1 बाय 8. ओके, और यहां पर देखिए साइन अगर हम इसे ऐसे लिख लें, साइन 30 डिग्री ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें, और इस टर्म को वैसे ही सॉल्व करें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया था, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 1 बाय 8, और साइन 1 बाय 2 इज 1 बाय 2 इज, एंड दिस साइन 30 इज 1 बाय 2 दैट इज 1 बाय 16, ये राइट हैंड साइड आएगा. एग्जाम में आपको इसको सेम वैसे ही सॉल्व करना है, इस वाले पार्ट को डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी जैसे पार्ट वन में प्रूफ किया था, वैसे ही इसको सॉल्व करना है. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब यहां पे भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर टर्म्स है 20, 40, 60 एंड 80, पर साइन 60 की वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट मालूम है, तो फिर वही आ गया प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म 10, 30, 50, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, साइन 30, साइन 10, साइन 30, साइन 50, इसका तो अभी हम लोगों ने निकाला था, सेम प्रोसेस रहेगा साइन 20, साइन 40 और साइन 80 के लिए, तो वी कैन राइट दिस एज साइन 60 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री. दिस ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा अरेंज कर लिया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है दिस इज रूट 3 बाय 2, और साइन 20 साइन 40 में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 2 साइन एक्स साइन वाई का, एंड दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. तो उससे पहले हम लोग इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब थोड़े से देखिए स्टेप्स हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 2 साइन 20 साइन 40 विल बिकम कॉस ऑफ 20 माइनस 40 दैट इज माइनस 20, माइनस कॉस ऑफ 20 प्लस 40 दैट इज 60 डिग्री, एंड साइन ऑफ 80 डिग्री. आप लोग इनिशियली देखिए, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक शॉर्टकट मत अप्लाई करिएगा, एंड दैट बिकम रूट 3 बाय 4, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये तो कॉस 20 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज रूट 3 बाय 2, एंड ऑफ साइन 80 डिग्री दिस इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4, कॉस 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री, माइनस रूट 3 बाय 2, साइन 80 डिग्री. अब यहां पे फिर हम लोग अप्लाई करेंगे 2 कॉस x साइन y का फॉर्मूला, एंड दैट इज साइन ऑफ x प्लस y माइनस साइन x माइनस y.
तो क्या हो जाएगा, इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे रूट थ्री बाई फोर एक टू से डिवाइड करना पड़ेगा और टू से मल्टीप्लाई, टू से जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा टू कॉस एक्स साइन वाई के फॉर्मूले में, और वो हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई मीन्स 20 प्लस 8 इज 100 डिग्री माइनस साइन 20 माइनस 80 दैट इज माइनस 60 डिग्री माइनस रूट थ्री बाई टू ऑफ साइन 80 डिग्री एंड दैट बिकम रूट थ्री बाई फोर, थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, 1 बाई टू साइन 100 डिग्री और यहाँ पे है आपके पास साइन 80 डिग्री, तो 100 डिग्री और 80 डिग्री में रिलेशन 180 से डेवलप हो जाएगी कि 100 डिग्री को वी कैन राइट 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो इस साइन 100 को लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये हो गया माइनस रूट थ्री बाई टू ऑफ साइन 80 डिग्री। यहाँ पे ये कॉस 60 है, कॉस 60 इज 1 बाई टू, तो ये 1 बाई टू हो जाएगा आपका, दिस इज 1 बाई टू। नाउ दिस इज रूट थ्री बाई फोर 1 बाई टू साइन 180 माइनस थीटा, आप देखिए 180 होते साथ ही आपके पास साइन तो साइन 80 डिग्री रहेगा और 180 माइनस 80 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन 60 इज योर रूट थ्री बाई टू माइनस 1 बाई टू साइन 80 डिग्री, दिस बिकम रूट थ्री बाई फोर 1 बाई टू साइन 80 डिग्री प्लस रूट थ्री बाई फोर माइनस 1 बाई टू साइन 80 डिग्री, इससे ये कैंसिल एंड दिस रूट थ्री बाई फोर इंटू रूट थ्री बाई फोर इज 3 बाई 16 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन इजी है बट बहुत सारे ब्रैकेट्स यूज होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले यूज होंगे, फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, एकदम क्लियर होने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 11th का फर्स्ट पार्ट भी देखिए, जैसे 10th का फर्स्ट सेकंड थर्ड था वैसे 11th का फर्स्ट सेकंड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे 20, 40, 60 और 80 है, 60 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है कि कॉस, इसे हम लिख लेते हैं कॉस 60 डिग्री और 20 और 40 को एक साथ ले लेते हैं 1 बाई टू कर देते हैं और 2 कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री, पहले यहाँ पे 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और कॉस 80 ऐसे ही हो जाएगा, कॉस 60 इज 1 बाई टू तो 1 बाई टू और 1 बाई टू 1 बाई फोर हो जाएगा एंड 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे एंड दैट बिकम कॉस ऑफ 20 प्लस 40 इज 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 माइनस 40 इज माइनस 20 डिग्री एंड दिस इज ऑफ कॉस 80 डिग्री 1 बाई फोर cos 60 is 1 by 2, cos minus theta is cos theta, that is cos 20 degree of cos 80 degree. अब फिर से एक बार same concept चल रहा है, 1 by 4, 1 by 2 of cos 80 degree plus cos 20 degree, cos 80 degree. अब आप लोगों को देखो समझ में भी आ गया होगा कि 20, 80 को जब हम solve करेंगे तो 60 मिलेगा और 100 मिलेगा, 60 की direct value रखेंगे और 100 को 80 के साथ adjust करेंगे कि 100 is equal to 180 minus 80, तो ये term cancel हो जाएगी, तो 1 by 4, 1 by 2 of cos 80 degree प्लस इसमें 1 बाई टू, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस एक्स कॉस वाई और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग, कॉस एक्स प्लस वाई मीन्स कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस एक्स माइनस वाई मीन्स कॉस माइनस 60 डिग्री, थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, 1 बाई फोर 1 बाई टू ऑफ कॉस 80 डिग्री प्लस 1 बाई टू कॉस ऑफ 100 डिग्री को वी कैन राइट कॉस ऑफ 180 माइनस 80 डिग्री, अब बहुत बार कर चुके इसको, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1 बाय 2 एंड दिस इज 1 बाय 4, 1 बाय 2 ऑफ कॉस 80 डिग्री प्लस 1 बाय 2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो कॉस 80 डिग्री तो एज इट इज आएगा और 180 माइनस 80 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1 बाई 2 एंड दिस बिकम 1 बाई 4, 1 बाई 2 ऑफ कॉस 80 डिग्री माइनस 1 बाई 2 ऑफ कॉस 80 डिग्री प्लस 1 बाय 4 एंड 1 बाय ये कैंसिल एंड 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 इज 1 बाय 16 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
अब देखिए ये क्वेश्चन में 10, 30, 50, 70 तो फिर सेम आगे आपके पास 10 की 30 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, तो कॉस 30 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉस 30 आपको मालूम है, दिस इज रूट 3/2, और कॉस 10 और कॉस 50 में हम लोग 1/2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री। देखिए सिंपल एडजस्ट कर दिया, एक दो स्टेप्स हम लोगों ने शॉर्ट कर दिए एंड दिस बिकम कॉस 70 डिग्री। अब सेम प्रोसेस रहेगा जैसे इससे प्रीवियस वाला पार्ट था कि 2 कॉस एक्स कॉस वाई का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो टर्म आएगी उसमें एक 60 डिग्री आएगा और एक 40 डिग्री आएगा। 60 डिग्री को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और 40 डिग्री को हम 70 के साथ ले लेंगे। तो 40 को 70 के साथ लेंगे तो हमारे पास एक 30 डिग्री आएगा और एक आएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री और 70 डिग्री हमारा ये वाला एडजस्ट होके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेम प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न में चला, 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला हमने कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई अप्लाई कर दिया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 40 आ गया, इसको हम लोगों ने दोनों के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। कॉस 2 कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ पे 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाली टर्म ये आ गई, मल्टीप्लाई वाली टर्म फॉर्मूले के साथ एडजस्ट हो गई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। कॉस यहाँ पे अब आपके पास एक टर्म बची कॉस 110, एक बची 70 डिग्री, 30 डिग्री की हमें वैल्यू मालूम है। तो 110 डिग्री को हमने लिख दिया 180 माइनस 70 और दैट बिकम माइनस कॉस 70, उससे ये कैंसिल, थोड़ा सॉल्व कर लिया, 3/16 हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 10 वाली, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री और अपॉन कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री कॉस 70 डिग्री। और इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इवन साइन 10 साइन 50 साइन 70 की तो वैल्यू हम लोगों ने डायरेक्ट 1/8 आपकी फाइंड आउट भी करी क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट। तो सेम हम लोगों का पैटर्न रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का कि दो टर्म को हम लोग पहले एक साथ ले लेंगे। तो साइन 10 साइन 50 को हम लोगों ने ले लिया तो 1/2 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से जो मल्टीप्लाई किया उसमें 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड दैट इज 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। एक तो ये लग जाएगा और एक लगेगा हमारे पास 2 कॉस एक्स कॉस वाई का एंड दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अभी कर देते हैं डायरेक्ट। तो 1/2 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री इसे अलग एंड 1/2 2 कॉस 10 डिग्री कॉस 50 डिग्री एंड कॉस 70 डिग्री। वन ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड दैट बिकम कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई 10 माइनस 50 माइनस 40 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस एक्स प्लस वाई तो 10 प्लस 50 60 डिग्री ऑफ साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन 2 cos x cos y is cos x plus y cos 50 plus 10 that is 60 degree plus cos x minus y तो cos of 10 minus 50 that is minus 40 और cos minus 40 cos 40 degree होगा, cos minus theta is cos theta and this is of cos of 70 degree and this is equal to, अब cos 60 की वैल्यू पता है हम लोगों को, cos 60 is 1/2 तो ये हो जाएगा cos 40 degree sin 70 degree माइनस 1/2 साइन 70 डिग्री अपॉन ये 1/2 ऑफ कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉस 70 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कॉस एक्स साइन वाई का मीन्स 2 कॉस एक्स साइन वाई और यहाँ पे हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा डायरेक्ट तो 2 कॉस एक्स साइन वाई is साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 cos x तो पहले तो हम लोग एक 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया वो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा तो साइन x प्लस वाई मीन्स 40 प्लस 70 इज 110 डिग्री
माइनस साइन एक्स माइनस वाई 40 माइनस 70 दैट इज माइनस 30 डिग्री। इस बार आप इसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है इसलिए इसे माइनस में रहने दीजिए ब्रैकेट में, एंड माइनस ऑफ 1 बाई टू साइन 70 डिग्री अपॉन 1 बाई टू कॉस 70 डिग्री प्लस 1 बाय 2, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स 40 प्लस 70 इज 110 डिग्री प्लस कॉस 40 माइनस 70 दैट इज कॉस माइनस 30 डिग्री। चलिए माइनस ही कर देते हैं, हालांकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 1 बाय 2 साइन ऑफ 110 डिग्री। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा मीन्स प्लस साइन 30 डिग्री माइनस 1 बाय 2 ऑफ साइन अब 70 डिग्री अपॉन 1 बाय 2 कॉस 70 डिग्री प्लस 1 बाय 2 कॉस ऑफ 110 डिग्री कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा दैट इज 30 डिग्री एंड दिस इज 1 बाय 2। साइन 110 को वी कैन राइट साइन 180 माइनस 70। अब देखिए आपको 110 और 70 देखते साथ ही विजुलाइज हो जाएगा कि इसमें एलाइड एंगल कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। साइन 30 डिग्री, इसे 1 बाय 2 नहीं लिखते क्योंकि हमें 10-30 में इसका आंसर देना है। माइनस 1 बाय 2 साइन 70 डिग्री अपॉन ये ब्रैकेट बंद 1 बाय 2 कॉस 70 डिग्री प्लस 1 बाय 2 कॉस 110 इज कॉस ऑफ 180 माइनस 70 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 साइन 180 माइनस थीटा तो साइन 70 डिग्री रहेगा और 180 माइनस 70 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री माइनस 1 बाय 2 ऑफ साइन 70 डिग्री अपॉन 1 बाई 2 कॉस 70 डिग्री प्लस 1 बाई 2 कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस 70 डिग्री तो रहेगा ही, 180 माइनस 70 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का आ जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री। अब देखिए ये 1 बाय 2 साइन 70 डिग्री से 1 बाय 2 साइन 70 डिग्री कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 साइन 30 डिग्री अपॉन 1 बाय 2 कॉस 70 से 1 बाय 2 कॉस 70 ये हो जाएगा 1 बाय 2 कॉस 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 10-30 डिग्री एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। बहुत सिंपल है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, अब हम लोग यहां पे सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन, देखिए यहां पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ये वाला फॉर्मूला है, सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन इंटू प्रोडक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन साइन एक्स प्लस साइन वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वो फॉर्मूले अब हम लोगों के पास अप्लाई होंगे एंड दिस साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगेगा एंड दिस इज टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ओके, तो देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते थे पर देखिए 2 पाई बाय 3 माइनस एक्स है, 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स है, तो जब एक बार इनके एंगल को ऐड करेंगे तो एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 पाई बाय 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेते हैं कॉस एक्स प्लस, और यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का दैट इज टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू, तो वन बाय टू तो यहां लिख देते हैं और एक्स प्लस वाई मीन्स टू पाई बाय थ्री माइनस एक्स प्लस टू पाई बाय थ्री प्लस एक्स अपॉन भी टू लिख सकते थे, हमने यहां पे अपॉन टू इस तरह से लिख दिया। कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू तो वन बाय टू यहां लिख दिया, एक्स माइनस वाई टू पाई बाय थ्री माइनस एक्स माइनस टू पाई बाय थ्री माइनस एक्स एंड दिस इज 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब ये क्या हो गया, देखिए कॉस एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, 2 पाई बाय 3 से ये कैंसिल, 2 कॉस 1 बाय 2, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 इज 4 पाई बाय 3 कॉस 1 बाय 2 ऑफ माइनस एक्स दैट इज माइनस 2 एक्स, दिस इज कॉस एक्स प्लस 2 कॉस 2 पाई बाय 3 एंड कॉस ऑफ माइनस एक्स, देखिए कॉस 2 पाई बाय 3
वी कैन राइट दिस एज कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री. इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं. कॉस 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस पाई होते साथ कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस पाई बाय थ्री. पाई माइनस पाई बाय थ्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा. एंड कॉस पाई बाय थ्री इज 1/2 तो माइनस का 1/2. तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस एक्स प्लस टू और माइनस 1/2. एंड कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स. तो टू से टू कैंसिल, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स दैट इज जीरो. और यही हम लोगों को प्रूव करना था. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए आप लोगों को और फॉर्मूलों में कमांड चाहिए. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए. अब आपके पास कॉस पाई बाय 8 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 है. तो सेम हम लोग यहां पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन. तो देखिए आप कॉस पाई बाय 8 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 एक, और कॉस 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 सेकेंड कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. या फिर कॉस पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 का एक कॉम्बिनेशन, 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8 का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. इसका फायदा क्या होगा, देखिए जब आप पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 का कॉम्बिनेशन लेंगे तो प्लस करके 8 पाई बाय 8 मीन्स पाई आ जाएगा. और इसके बाद आपके पास कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 होता है तो अपॉन 2 भी मिलेगा. इसका मतलब कॉस पाई बाय 2 वाली टर्म मिलेगी और कॉस पाई बाय 2 आपके पास डायरेक्ट जीरो होता है. तो ये देखिए, ये आप लोगों को तभी पता चल पाएगा जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग तरीके से. क्वेश्चन ये दोनों तरह से सॉल्व होगा. आपके पास पहला कॉम्बिनेशन पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8 मीन्स 4 पाई बाय 8 एक टर्म ये मिलेगी, 2 पाई बाय 8 वाली टर्म मिलेगी अपॉन 1/2 अपॉन 1/2. ओके पर इससे क्वेश्चन में एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे. जबकि अगर आप पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट 8 पाई बाय 8 मींस पाई वाली टर्म और अपॉन 2 जो आकर ये अपॉन 2 देगा और कॉस आता है देखिए राइट हैंड साइड में दोनों जगह, तो कॉस पाई बाय 2 जीरो हो जाएगा. तो इससे क्वेश्चन एक दो स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए करते हैं. तो कॉस पाई बाय 8 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8 को हमने एक साथ ले लिया, कॉस 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 को हमने एक साथ ले लिया. और कोई इसका रीजन नहीं है कि हमने कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको लेंगे पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 को लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा, इजी है. बट ये फॉर्मूला आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा. तो चलिए यहां पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो 2 कॉस 1/2 एक्स प्लस वाई मींस पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8. कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 मींस 1/2 एक्स माइनस वाई पाई बाय 8 माइनस 7 पाई बाय 8. तो इसमें यहां पे तो ये लग गया. इसी तरह से यहां पे लगा देते हैं 1 कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज 2 कॉस 1/2 ऑफ 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 और कॉस ऑफ 1/2 ऑफ 3 पाई बाय 8 माइनस 5 पाई बाय 8 एंड दिस इज इक्वल टू 2 कॉस. अब देखिए पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 इज 8 पाई बाय 8, तो 8 पाई बाय 8 1/2 ऑफ 8 पाई बाय 8. चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं. 1/2 पाई बाय 8 माइनस 7 पाई बाय 8 इज माइनस 6 पाई बाय 8. 2 कॉस 1/2 8 पाई बाय 8 कॉस 1/2 माइनस 2 पाई बाय 8. 2 कॉस 8 से 8 कैंसिल एंड दिस पाई बाय 2 कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और ये 1/2 से 6 कैंसिल होके 3 पाई बाय 8 हो जाएगा प्लस 2 कॉस इस 8 से 8 कैंसिल पाई बाय 2 और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और इस 2 से 8 2 कॉस पाई बाय 8. अब कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है तो ये सेकेंड टर्म जीरो और कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है तो ये फर्स्ट टर्म भी जीरो. मींस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज 0. एंड यही हम लोगों को प्रूव करना था. ओके तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो गया और कुछ नहीं है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो देखिए यहां पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ साइन टर्म्स आ गया आपके पास. तो 2 साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. और कहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे. क्यों, क्योंकि जब एक्स माइनस वाई करेंगे तो पाई बाय 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्योर एक्स वाली टर्म मिलेगी और जब एक्स प्लस वाई करेंगे तो एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, पाई बाय 3 वाली टर्म मिलेगी.
तो यही थोड़ी बहुत हिंट हम लोग आपको दे सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में फोर साइन, तो फोर साइन में हम टू साइन एक्स तो ये कर देते हैं, और टू साइन एक्स साइन वाई में हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस एक्स माइनस वाई मीन्स पाई बाय थ्री माइनस एक्स माइनस पाई बाय थ्री माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई पाई बाय थ्री माइनस एक्स प्लस पाई बाय थ्री प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू टू साइन एक्स दिस पाई बाय थ्री कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा तो कॉस टू एक्स ये हो जाएगा माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल कॉस ऑफ टू पाई बाय थ्री और कॉस ऑफ टू पाई बाय थ्री वी नो दैट पाई माइनस पाई बाय थ्री एंड दिस इज माइनस ऑफ कॉस पाई बाय थ्री कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट पाई होने के कारण तो पाई कॉस कॉस में ही रहेगा और पाई माइनस पाई बाय थ्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव देन दिस इज माइनस कॉस पाई बाय थ्री मीन्स माइनस वन बाय टू तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस टू एक्स माइनस वन बाय टू माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस टू एक्स प्लस वन बाय टू ऑफ टू साइन एक्स एंड अब यहाँ पे हम लोग टू साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लगा देंगे टू साइन एक्स कॉस वाई एंड दिस इज साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स प्लस टू एक्स इज थ्री एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू एक्स ये टू से टू कैंसिल एंड दिस इज साइन एक्स एंड दिस बिकम साइन थ्री एक्स साइन एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस साइन माइनस एक्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो साइन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स दिस इज साइन थ्री एक्स और यही हम लोगों को प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है टू कॉस एक्स कॉस वाई का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो फोर कॉस एक्स को टू कॉस एक्स और यहाँ पे डायरेक्ट टू कॉस एक्स कॉस वाई एंड दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब सेम इसी तरह से जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सेम हम लोगों ने टू कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई कर दिया ये आ गया हमारे पास कॉस टू पाई बाय थ्री इज माइनस वन बाय टू प्लस कॉस टू एक्स इसको हम लोगों ने अंदर ले लिया तो यहाँ पे आ गया आपके पास ये टू कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल कॉस थ्री एक्स दिस इज राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए साफ दिया है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन टू यानी हम लोगों को सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन उसमें इसे कन्वर्ट करना है तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज टू कॉस तो देखिए कितना सिंपल था आपने टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू कर दिया उसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर स्क्वायर आ गया। आपने इसमें दोनों टर्म में फोर कॉमन है और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू कॉमन है तो यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू दिस टर्म और यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन दैट इज फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू और यही हमारी राइट हैंड साइड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेम इसी तरह से हम लोगों के पास ये सेकेंड पार्ट है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू तो ये फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा
देखिए कितनी आसानी से आ गया, स्क्वायर ये कर दिया आपने, फोर कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉमन आ गया इसमें से, और इसमें से कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी उसका स्क्वायर ये कॉमन आ गया, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू ये ब्रैकेट के अंदर बचा, और इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं। यहाँ पे एक साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म है, ये एक्स माइनस वाई वाली टर्म है, ये साइन एक्स कॉस वाई वाली टर्म है, और ये साइन एक्स माइनस वाई वाली टर्म है। तो एक देखिए अब आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहले ये विजुलाइज हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास टू साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला लग सकता है, तो ये भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाली टर्म मिल जाएगी, और फिर उसमें एक्स माइनस वाई वाली टर्म, और इसको सॉल्व करके हमारे पास कुछ टर्म ऐसी आएगी जो इसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा मेथड, दूसरी अगर आप चीज विजुलाइज करें तो आप देखें कि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन है और यहां पे साइन एक्स माइनस वन है। इन दोनों टर्म में से अगर हम लोग साइन एक्स माइनस वाई कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ रहा है साइन एक्स माइनस वाई, और ये आ रहा है आपके पास साइन एक्स कॉस वाई, और साइन एक्स कॉस वाई में अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाली टर्म मिलती है, तो वो वहीं से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें देखिए ऐसा है जो आप लोगों को प्रैक्टिस करके पता चल पाएंगी। हम लोग आपको टर्म मतलब पूरा सॉल्व करके या तो हर एक मेथड से बताएं तो वो भी फिजिबल नहीं रहेगा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप लोगों को ओरली जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करें, अलग अलग मैथड से, अलग अलग टाइप से, जहाँ तक संभव हो सकता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई यहाँ पे बचा और माइनस टू साइन एक्स कॉस वाई ये यहाँ से बचा। इसका फायदा क्या है कि जब हम यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की टर्म मिलती है, और क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ओके, तो यहां पे ये अप्लाई हो जाएगा, तो देखिए साइन एक्स माइनस वाई यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, बाहर माइनस है तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई एंड दिस बिकम साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस है तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर वाई, इस टर्म से ये कैंसल, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए साफ विजुलाइज हो रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो एक एक्स प्लस वाई अपॉन टू और एक्स माइनस वाई अपॉन टू की टर्म तो यहाँ पे आ ही रही है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है और कॉस अपॉन साइन टेन कॉट होता है, तो और साइन एक्स माइनस साइन वाई हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो टू से टू कैंसिल, दिस साइन अपॉन दिस कॉस इज टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू एंड दिस साइन, और इस कॉस को अगर हम इधर डिनोमिनेटर में ले लें तो या कॉस अपॉन साइन को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, यहां डिनोमिनेटर में 10 कर देते हैं, न्यूमरेटर में कॉट कर दीजिए, तो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका कि साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स। तो यहां पे हम लोग साइन एक्स और टेन थ्री एक्स हम लोगों को प्रूव करना है, तो बहुत सिंपल है, साइन एक्स प्लस साइन वाई न्यूमरेटर में तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का एंड दिस इज टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा टू ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ओके, अब देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा लेना है, आपके पास है एक्स थ्री एक्स और फाइव एक्स, तो जब आप x और 3x लेंगे तो x प्लस 3x अपॉन 2 मींस 4x अपॉन 2, एक तो टर्म मिलेगी 2x, एक मिलेगी x माइनस 3x दैट इज माइनस 2x अपॉन 2 दैट इज माइनस x,
और फिर उसको हमें इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी केस में x और 3x और 5x को एक साथ ले लें, x और 5x को एक साथ ले लें और 3x को अलग रहने दें, तो x और 5x हो जाएगा 6x अपॉन 2 दैट इज 3x और एक हो जाएगा दिस माइनस 5x दैट इज माइनस 4x अपॉन 2 दैट इज माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे एक ये और ये आपके पास कॉम्बिनेशन मिल रहा है और यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा था। इट मीन्स व्हाट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x और 5x मीन्स साइन x प्लस साइन 5x इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और साइन 3x इसमें से हमें साइन 3x मिल जाएगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो cos x प्लस cos 5x प्लस cos 3x। अब साइन x प्लस साइन y का ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी और साइन x प्लस साइन y का 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 मीन्स x प्लस 5x 6x अपॉन 2 दैट इज 3x। cos x माइनस 5x मीन्स माइनस 4x अपॉन 2 मीन्स माइनस 2x प्लस साइन 3x अपॉन cos 2 cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y अपॉन 2 x प्लस 5x दैट इज 6x अपॉन 2 दैट इज 3x। cos x माइनस 5x माइनस 2x माइनस 4x अपॉन 2 और cos ऑफ 3x दिस इज साइन 3x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, cos 3x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, साइन 3x कॉमन, 2 cos माइनस थीटा cos थीटा होता है 2x प्लस 1 अपॉन cos 3x डिनोमिनेटर में कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 और इससे ये कैंसिल दैट इज tan 3x। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन आपका देखिए x और 3x को भी एक साथ लेके आ जाएगा पर वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे तो देखिए साफ विजुलाइज हो रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई, यहां पे ये तो 2 वाली टर्म है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई करेंगे तो 5 और 11 हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 तो 8 और 8 ही यहां पे मिल रहा है कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से यहां पे आपके पास 11 है, 8 और 14 दिस इज 22 एंड 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11 और 11 वाली टर्म यहां पे आ रही है, तो यहां तो आपको साफ विजुलाइज भी हो रहा है। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई एंड दिस साइन एक्स प्लस साइन वाई इज 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं अब इसे, तो साइन 5x प्लस साइन 11x तो 2 साइन 8x को तो हम अलग ले लेते हैं प्लस साइन 5x प्लस साइन 11x इज 2 साइन 5 प्लस 11 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8x। cos 5 माइनस 11 इज माइनस 6, माइनस 6 अपॉन 2 इज माइनस 3x और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो 3x ही आएगा। 2 साइन 11x ऐसे ही रखते हैं प्लस साइन 8x प्लस साइन 14x इज 2 साइन 8 प्लस 14 22 डिवाइडेड बाय 2 इज 11x। cos 8 माइनस 14 दैट इज माइनस 6 अपॉन 2 दैट इज माइनस 3x और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो 2 साइन 8x यहां से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 11x डिनोमिनेटर से कॉमन 1 प्लस cos 3x, ये टर्म कैंसिल और ये आ गया आपके पास साइन 8x अपॉन साइन 11x। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखते हैं, तो पार्ट फोर्थ में देखिए क्लियरली विजुलाइज हो रहा है कि साइन एक्स कॉस वाई का, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई होता है तो 1 बाय 2 तो हम लोगों ने न्यूमरेटर में ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई तो साइन एक्स प्लस वाई मीन्स 8x प्लस एक्स इज 9x प्लस साइन एक्स माइनस वाई तो साइन 8x माइनस एक्स इज साइन 7x। ओके, एक टर्म तो ये आ गई। अब आपने 2 से डिवाइड किया था, देखिए मैं थोड़ा सा 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ऐसा शुरू में इनिशियली मत करिएगा, बाद में आप कर सकते हैं माइनस। तो ये जो 2 आपने डिवाइड किया इसी की 2 से यहां से भी मल्टीप्लाई होगी तो यहां पे आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई तो 2 साइन एक्स कॉस वाई इज अगेन साइन एक्स प्लस वाई मीन्स साइन 6x प्लस 3x इज 9x प्लस साइन एक्स माइनस वाई दैट इज 3x क्लियर अपॉन 1 बाय 2 2 कॉस एक्स कॉस वाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई इज कॉस एक्स प्लस वाई 2x प्लस एक्स इज 3x प्लस कॉस एक्स माइनस वाई 2x माइनस एक्स इज एक्स माइनस
टू साइन एक्स साइन वाई, दैट इज कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इज माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स इज सेवन एक्स। देखिए डायरेक्ट किया है हम लोगों ने, यहाँ पे दो स्टेप बचा दिए हैं, तो वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, साइन नाइन एक्स से साइन नाइन एक्स कैंसिल, साइन सेवन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन, और यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस सेवन एक्स, और ये माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंड साइन एक्स माइनस साइन वाई इज टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन वाई इज टू कॉस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स, टेन एक्स अपॉन टू दैट इज फाइव एक्स, साइन सेवन एक्स माइनस थ्री एक्स, फोर एक्स अपॉन टू इज टू एक्स, अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, थ्री एक्स प्लस सेवन एक्स, टेन एक्स अपॉन टू इज फाइव एक्स, कॉस 3x माइनस सेवन एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन टू इज टू एक्स, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड दिस इज टेन टू एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए हमने जो ये दो स्टेप्स में कर दिया है, तीन स्टेप में कर दिया, आपसे ये दो तीन स्टेप में इनिशियली मत करेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एक्स प्लस थ्री एक्स इज फोर एक्स, फोर एक्स अपॉन टू इज टू एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स अपॉन टू इज माइनस एक्स, और कॉस है तो एक्स ही रहने देते हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस इसी तरह से टू कॉस ट्वेल्व एक्स अपॉन टू इज सिक्स एक्स, कॉस टू एक्स अपॉन टू इज एक्स, माइनस का आएगा पर कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, साइन होता तो हमें माइनस बाहर लेना होता। साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तो फोर एक्स अपॉन टू इज टू एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस टू एक्स अपॉन टू इज एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसी तरह टू साइन ट्वेल्व एक्स अपॉन टू इज सिक्स एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स। अब देखिए इसमें कॉस एक्स कॉमन, इसमें आपका डिनोमिनेटर में भी कॉस एक्स कॉमन, तो टू कॉस एक्स कॉमन, कॉस टू एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स अपॉन टू कॉस एक्स कॉमन, साइन टू एक्स प्लस साइन 6x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां पे लगेगा cos x plus cos y का अगेन फॉर्मूला, एंड cos x plus cos y is 2 cos x plus y upon 2, मतलब 2x plus 6x 8x upon 2 that is 4x, and 2x cos 2x minus 6x that is minus 4x upon 2 is 2x, cos minus 2x आएगा वो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से sin x plus sin y is 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू मीन्स टू एक्स प्लस सिक्स एक्स एट एक्स अपॉन टू फोर एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू दैट इज टू एक्स, ये कैंसिल एंड दिस इज कॉट ऑफ फोर एक्स एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो यहां पे हम कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला यहां पे, और यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला अलग लगा देते हैं, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दिस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो इसमें हो जाएगा टू कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस, इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा टू कॉस, जब एक बार ऐड करेंगे तो एल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। इससे फायदा क्या हुआ कि ये अल्फा प्लस बीटा वाली टर्म कॉमन आ गई, तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू हमने कॉमन ले लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन टू, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग एक यही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू, तो 1/2 तो ये ले लिया, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन टू, दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ये पूरा का पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा वाई है, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू, तो 1/2 यहाँ ले लिया, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन टू। देखिए क्वेश्चन इजी है पर थोड़ा कंसंट्रेशन से करिएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन टू, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं किया, 1/2 अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 गामा अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू 2 कॉस 1/2, अब ये बीटा से बीटा कैंसिल, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा, तो और अपॉन टू भी है तो ये अल्फा प्लस गामा बचेगा, कॉस यहाँ पे आपके पास अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस 2 बीटा माइनस 2 गामा, तो माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ बीटा माइनस गामा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हो जाएगा 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 कॉस गामा प्लस अल्फा अपॉन 2, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया जैसे हम लोगों को प्रूफ करना था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई आपको दिया है 1/3 और साइन एक्स प्लस साइन वाई दिया है 1/4 और टेन एक्स प्लस वाई अपॉन टू हमसे पूछा है, तो बहुत सिंपल है, साइन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/3। और अभी तक तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि आप क्या करने वाले हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड दिस इज 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज 3 अपॉन 4, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास कॉस ये टर्म कैंसिल ये कैंसिल, एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, एंड दिस यू हैव टू प्रूव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, एंड यू हैव टू प्रूव 10x अपॉन 10y। अब तक आपको ध्यान आ गया होगा कि यहाँ पे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, एंड यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई का, एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई इज 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 1/2, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 1/2 एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस साइन वाई, दिस इज 2 cos
एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई साइन एक्स माइनस वाई अपॉन टू, वन बाई टू यहां ले लिया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इस बी से ये बी कैंसिल, माइनस जब हम लोग इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ए कैंसिल, दिस इज इक्वल टू टू ए अपॉन टू बी एंड दिस इज, ये टू से टू कैंसिल, साइन ऑफ वाई से वाई कैंसिल, साइन ऑफ टू एक्स अपॉन टू कॉस ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल, टू वाई अपॉन टू अपॉन कॉस ऑफ वाई से वाई कैंसिल, टू एक्स अपॉन टू साइन ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल, टू वाई अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी और ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा आपके पास टेन एक्स और कॉस वाई को यहां पे इसके डिनोमिनेटर में ले लीजिए तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई हो जाएगा टेन वाई, कॉट वाई कहीं या तो डायरेक्ट आप टेन एक्स इंटू कॉट वाई कर दीजिए या टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी और यही आपको प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में दिया है कॉस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एम कॉस एक्स एंड प्रूव यू हैव टू प्रूव दैट कॉट वाई इज इक्वल टू वन प्लस एम अपॉन वन माइनस एम टेन एक्स प्लस वाई। चलिए करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, कॉस एक्स प्लस टू वाई अपॉन इज इक्वल टू एम कॉस एक्स दिया है तो कॉस एक्स प्लस टू वाई अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन वन हो जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड दैट बिकम टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन टू तो वन बाई टू एंड दिस एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू वन बाई टू ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स अपॉन माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू मीन्स वन बाई टू ऑफ एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स एंड साइन ऑफ वन बाई टू ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह तो है आपके पास एक्स प्लस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन एंड दैट बिकम 2 से 2 कैंसिल कॉस एक्स प्लस टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस टू वाई तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस वाई बचेगा आपके पास एंड कॉस एक्स से एक्स कैंसिल टू वाई अपॉन टू इज कॉस वाई अपॉन माइनस साइन टू एक्स प्लस टू वाई अपॉन टू तो कॉस साइन एक्स प्लस वाई और यहां पे एक्स से एक्स कैंसिल टू वाई अपॉन टू इज साइन वाई इज इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन और इस माइनस को एडजस्ट कर दीजिए यहां पे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। देखिए अब आपको जो प्रूफ करना है वो देख लीजिए, आपको कॉट वाली टर्म चाहिए तो ये आ जाएगा कॉट वाई अपॉन ये कॉस एक्स प्लस वाई आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू और ये माइनस का साइन एडजस्ट कर दीजिए यहां पे तो 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम एंड दिस इज इक्वल टू कॉट वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एम अपॉन 1 माइनस एम ऑफ 10 एक्स प्लस वाई। हो सकता है हमने एक दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए हो एडजस्टमेंट करने के लिए, आप थोड़ा सा एक दो स्टेप और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा पर ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा देखिए कॉट वाई और ये हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई जब राइट हैंड साइड जाएगा तो टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन है ये माइनस का साइन हमने यहाँ पे एम माइनस वन के साथ एडजस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज ऑफ नंबर्स ये स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।